नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी ने अपना पूरा जीवन है जो कि अपने देश की सेवा में लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी जी से अलग होने के बाद उनका परिवार क्या करता होगा और उनकी पत्नी क्या करती होगी? आज हम आपको ये सभी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को आगे बगाए बिना आखिर तक ज़रूर देखते रहो। और आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी ने पहले कई बार कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है। हालांकि मोदी जी को जब भी समय मिलता तो वो अपने परिवार वाले और अपनी माता जी से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहते कि आज भी मोदी जी की जो पत्नी है खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती है, ना कि मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखती है। मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में 14,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे वो अपना घर और परिवार चलाती है और वो अपने भाई अशोक के साथ रहती हैं। भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी को कितने साल क्यों ना हुए अलग अलग रहते हुए, लेकिन मोदी जी की पत्नी हमेशा से मोदी जी के बारे में अच्छाई सोचती ही है। जब पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब मोदी जी की पत्नी ने कई बार कहा था कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो कि इस समय मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री हैं और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार कहीं ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई जा रही है। और आपको बता देना चाहते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबके दिलों में बसते हैं। आज उन्हें इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसे कहीं देश है जो मोदी जी को फॉलो करते हैं। मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक सवाल और एक इंटरव्यू में कि दोनों पति पत्नी से अलग होने की वजह के बारे में, तो मोदी जी की पत्नी ने कहा था कि दोनों का ही ना तो किसी तरह का झगड़ा हुआ और ना ही कोई बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश की सेवा में। मोदी जी के बारे में और भी अधिक जानकारी जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।